Hello future doctors, welcome to Dipenism. I am Dr. Dipen Shyam. Previous videos में हम लोगों ने अब तक बहुत सारे concepts के बारे में discuss किया है, जैसे कि हम लोगों ने discussion किया about the passive transport, active transport, imbibition, permeability, an interesting concept about osmotic pressure, turgor pressure, wall pressure, diffusion pressure deficit and water potential, जहाँ पे solute and pressure potential भी आ गया. तो ये सब terminologies जो है, ये सब आपको अभी उसमें से एक ही major की जो points है जो हम लोगों को consider करना है आगे कुछ concepts में, that is about DPD या फिर वाटर पोटेंशियल. तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि डीपीडी क्या होता है. डीपीडी इज नथिंग बट द थर्स्ट ऑफ द सेल. उसको हम लोग सिंपली ऐसा ही याद रखेंगे. सो आज का जो हमारा डिस्कशन है, आज का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन. मतलब प्लांट्स जो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, प्रोसेसेस तो हम लोग ने पढ़ लिए. पहले इम्बाइबिशन होगा, फिर ऑस्मोसिस वगैरह का प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर वगैरह डेवलप होगा, बट उसमें मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट होगा वो हम लोग आज का हमारा मेजर कंसर्न है. तो उसको हम लोग आज समझना स्टार्ट करेंगे. सो लेट अस बिगिन अवर डिस्कशन. नाउ वाटर एब्जॉर्प्शन जो होगा उसके दो मैकेनिज्म हो सकते हैं, जिसमें वन मैकेनिज्म इज द एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सो दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एंड दूसरा जो होगा दैट इज नोन एज द पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. सो देर आर टू वेज, टू मैकेनिज्म दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. वन इज द एक्टिव एब्जॉर्प्शन, अदर इज द पैसिव एब्जॉर्प्शन. नाउ नाम से ही क्लियर हो जाता है और आपको प्रीवियस वीडियोस में ही पता है कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव का मतलब होता है यहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा, तो यहाँ पे एटीपी इज यूज्ड. यहाँ पे पैसिव एब्जॉर्प्शन का मतलब होगा एटीपी इज नॉट यूज. तो फर्स्ट पॉइंट, बेसिक डिफरेंस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी एंड नॉन यूटिलाइजेशन. हाँ, यहाँ पे एटीपी क्रॉस किया है, क्रॉस मतलब यूज नहीं होगा, है ना. एक बार एक लेक्चर में ऐसा हुआ था कि स्टूडेंट शायद नींद में रहेगा, फोकस नहीं कर रहा होगा और उसको लगा यहाँ पे एटीपी 10 times यूज हो रहा है. तो ये रोमन नंबर नहीं है, ये मैंने क्रॉस आउट किया है, रॉन्ग किया है, चौकड़ी मारा है, मतलब एटीपी नॉट यूटिलाइज इन पैसिव एब्जॉर्प्शन. आई होप आप लोग का तो फोकस बहुत ही अच्छा रहेगा. एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन में वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे एटीपी का एक्सपेंडिचर होगा. सो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में ये डिस्क्रिप्शन हो गया. नाउ एक्टिव एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होगा, इसमें एटीपी का जरूरत क्यों पड़ता है. सो लेट अस बिगिन अवर अंडरस्टैंडिंग कि सपोज हम लोग ये प्लांट का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और प्लांट का ऐसा हम लोग रूट रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये रूट के सेल्स हो गए. सिंप्लीफाइड मॉडल दिखा रहे हैं, हम लोग को पता है रूट्स में तो बहुत सारे रीजन होते हैं. तो सपोज ये सिंपली रूट का आउटर मोस्ट सेल है. नाउ इस रूट के सेल को अगर वाटर एब्जॉर्ब करना है तो बाहर सॉइल जो होगा, सॉइल में से अगर वाटर एब्जॉर्ब करना है, देन वी नो दैट द रूट सेल्स शुड हैव लॉट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. मतलब अगर रूट सेल में बहुत सारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स रहेंगे तभी ये हाइपरटोनिक रहेगा. और मैंने जब भी आपके साथ ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तो मैंने ये कोरिलेशन लिया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एंड सो ऑन. सो रूट सेल has to remain hypertonic. और root cell जब भी hypertonic होगा, then obviously soil जो होगा वो comparatively हो जाएगा hypotonic. और अगर soil में hypotonic solution है, that means water का जो movement होगा that will be from hypo to hypertonic. That means यहाँ पे root cells में start हो जाएगा endosmosis. So endosmosis की वजह से the root cells are absorbing water because they have hypertonic condition. Now ये root cells hypertonic कैसे हो सकते हैं? By synthesizing solutes. जो solutes होगा, ये solutes का synthesis कहाँ पे होगा? तो obviously ये solutes का synthesis जो होगा वो तो leaf parts में होगा. So photosynthesis से जो भी solutes वगैरह बनेंगे, ये सब solute molecules transfer किए जाएंगे. तो जो भी leaf वगैरह parts से रहेगा, ये सब solute molecules transfer किए जाएंगे root cells में. So that roots they remain hypertonic. And hypertonic होंगे तभी जाके उसमें osmotic pressure buildup होगा, जैसे जैसे solute concentration बढ़ेगा. So to maintain high osmotic pressure the ATP expenditure is taking place. क्योंकि हम लोग को पता है photosynthesis में plants use up the ATP. हम लोग ने इसको discussion किया है non-cyclic and cyclic photophosphorylation में, बाद में dark reaction में ATP का utilization होगा. So ये solute synthesize हुआ, फिर उसको transport करना पड़ा, तो ये सब processes के लिए ATP का expenditure होगा, फिर जाके ये प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन हो पा रहा है, इसीलिए इसको बोला है एक्टिव एब्जॉर्प्शन. सो यहां पे एटीपी का यूटिलाइजेशन इज फॉर मेंटेनिंग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दैट इज डन बाय सिंथेसाइजिंग द सॉल्यूट. सो दैट इज द सेकंड पॉइंट. जबकि
पैसिव एब्जॉर्प्शन में जो प्रोसेस होता है, तो पैसिव एब्जॉर्प्शन में आपको याद रखना है कि जैसे जैसे लीफ में से देर विल बी लॉस ऑफ वाटर, एंड लीफ में से वाटर का लॉस जो होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन. जैसे जैसे ट्रांसपीरेशन होगा, वाटर लॉस होगा, डेफिसिट इज क्रिएटेड. डेफिसिट या इसको हम लोग बोलते हैं टेंशन इज क्रिएटेड इन द लीफ सेल्स, क्योंकि वाटर का लॉस हो रहा है. तो दिस डेफिसिट और टेंशन को कंपेंसेट करने के लिए लीफ एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम दिस पार्ट, दैट इज द पिटियोल. पिटियोल देन एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द स्टेम, एंड स्टेम इज गोइंग टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द रूट, एंड रूट विल एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल. सो अगर आप लोग इसको एक फ्लो चार्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है वो सॉइल से रूट में हो रहा है, रूट से स्टेम में, स्टेम से पिटियोल में, पिटियोल से लीफ में, एंड लीफ में से वाटर का लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपीरेशन एक्टिविटीज. तो ट्रांसपीरेशन की वजह से एक डेफिसिट क्रिएट हुआ, इसकी वजह से वाटर का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता जा रहा है. बट यहाँ पे ये जो पूरा एब्जॉर्प्शन जो सॉइल में से हुआ, यहाँ पे कहीं पे भी एटीपी का एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है. सो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसपीरेशन. तो ट्रांसपीरेशन ने पुलिंग फोर्स जनरेट किया है, सो इट कैन बी नोन एज ट्रांसपीरेशन पुल. तो यहां पे कोई भी तरह से एटीपी का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. फिजिकल प्रोसेस या फिर हम लोग इसको प्लांट का तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं. प्लांट में ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है. सो बिकॉज ऑफ दिस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग इज देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बट यहाँ पे एटीपी का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है. नाउ अंडरस्टैंड फ्यूचर डॉक्टर्स के अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि रूट सेल्स वगैरह में हाइपरटोनिक कंडीशन मेंटेन करना है तो सॉल्यूट सिंथेसाइज करना पड़ेगा और यहाँ पे ये मूवमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इन एक्टिव एब्जॉर्प्शन लिविंग सेल्स आर रिक्वायर्ड. लिविंग सेल्स play an important role in active absorption, whereas passive absorption जो हो रहा है उस passive absorption में तो transpiration की वजह से हो रहा है. मतलब यहाँ पे living cells हो ना हो that is not one of the important criteria. So यहाँ पे dead cells भी होंगे तो भी चलेगा. Even dead cells can perform this process of passive absorption. Living cells are not required. But यहाँ पे living cells are the ones which play an important role. Also एक्टिव एब्जॉर्प्शन जब भी होगा तो उसमें क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पे वाटर आते जाएगा, सो यहाँ पे देर विल बी बिल्डअप ऑफ द टर्गर प्रेशर, एंड जैसे जैसे टर्गर प्रेशर बिल्डअप होगा, वी नो दैट इसका इस सेल का डीपीडी फाइनली क्या हो जाएगा, इसका डीपीडी हो जाएगा जीरो. और जैसे इसका डीपीडी जीरो हो जाएगा, उसके नेबरिंग सेल्स का डीपीडी हाई है. सो इस सेल का डीपीडी अगर हाई रहेगा, मतलब उसका थर्स्ट हाई है, सो दिस सेल विल ट्रांसफर द वाटर इनटू द नेक्स्ट नेबरिंग सेल. और वैसे जैसे जैसे इसमें आ जाएगा तो इसका डीपीडी भी हो जाएगा जीरो बिकॉज इट हैज बिकम फुल्ली टर्जिड. तो इट विल सेंड वाटर to the next neighboring cell. So in active absorption what is observed is cells alternately become turgid and flaccid. Alternately turgid and flaccid क्यों होंगे, क्योंकि जैसे ही इसने वाटर को ट्रांसफर कर दिया ये हो जाएगा फ्लैसिड एंड फर्दर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा. ये टर्जिड हो गया है, बाद में ये भेज देगा तो ये भी फ्लैसिड होगा. तो सेल्स ऑल्टरनेटली बिकम टर्जिड फ्लैसिड, मतलब डीपीडी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, फिर वाटर भेज दिया तो डीपीडी हाई, इसका डीपीडी हाई था वाटर आ गया तो ये डीपीडी जीरो हो जाएगा, इट विल सेंड. तो यहाँ पे डीपीडी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये वाटर का मूवमेंट नेबरिंग सेल्स में होता जा रहा है. वेर इज यहाँ पे भी सिमिलर टाइप का मूवमेंट होगा, बट यहाँ पे ये टेंशन की वजह से पूरा प्रोसेस हो रहा है. तो यहाँ पे हम लोग डीपीडी पे इतना फोकस नहीं करते. सो दिस वी हैव डिस्कस टू डिफरेंट मैकेनिजम्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. इन माय नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जो पाथवे है कि सॉइल से रूट के जाइलम तक वाटर कैसे पहुंचता है, उन पाथवेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून फॉर माय फर्दर वीडियो. दैट्स ऑल फ्रॉम दिपेनिज्म.